लायंस कलबोरेटर फरीदाबाद एवं राष्ट्रीय सेवा योजना ने आज संयुक्त तत्वाधान में फ्री नेत्र जांच शिविर राजकीय विद्यालय में NIT3 में लगाया। इस कैंप में लगभग 400 बच्चों ने अपनी आंखें चेक कराई। लायंस क्लब ग्रेटर फरीदाबाद के प्रधान ने बताया कि लगभग 80 बच्चों की आंखों के ऑपरेशन भी निःशुल्क करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से सुशील कनवा ने बताया कि नेत्र जांच शिविर में मशीनें भी जर्मनी से मंगवाई गई हैं। सर, जो ये निःशुल्क जांच शिविर आप लगाया गया, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सुशील कुमार कनवा है, मैं NSS फरीदाबाद का जिला संयोजक हूँ। यह मुफ्त नेत्र फ्री हेल्थ एंड फ्री आई चेकअप कैंप हमने NSS की मदद से और लायंस क्लब फरीदाबाद की मदद से लगाया गया है। हमने कल भी लगभग 60-70 बच्चों की आंखें चेक की और आज लगभग 400 बच्चों की आंखें चेक की हैं, जिसमें से 40-50 बच्चों की आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई गई है, जिनको चश्मे की ज़रूरत है या उनके ऑपरेशन की ज़रूरत है। सर, ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए लगाया गया है, कोई बाहर से भी कोई बच्चा आएगा तो उनकी जांच से फ्री होगी? फिलहाल ये है सिर्फ हमारे इस विद्यालय के पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ये कैंप लगाया गया है। अभी कुछ लड़कियाँ जो अपने छोटे भाई बहनों को लेके आई थी, 10-15 लड़कियाँ, उनका भी हमने चेकअप किया है। मेरा नाम युक्ता अग्रवाल है एंड मैं स्पेशल फॉर किड्स के लिए मशीन यूज़ करी जाती है जो कि इंपोर्ट करी गई है जर्मनी। ये आज तक की पहली मशीन है जो वहाँ से इंपोर्ट करी गई है। इंपोर्ट का यूज़ ये है कि हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जाके बच्चों की आईज चेक कर सकते हैं। देन वहाँ पे क्या होता है, हम एक लाइट में चेक नहीं होती है, जो होती है ये एक ब्लैक रूम के अंदर इजीली चेक कर सकते हैं हम वहाँ जाके इस मशीन को। तो इसमें कोई गड़बड़ी होने का भी खतरा रहता है? सर, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी इसके अंदर। इजीली हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल जाता है कि आपकी आईज सही है या ख़राब है। हम एंड टू एंड अपने डॉक्टर को रेफर कर देते हैं अगर किसी आईज में प्रॉब्लम होती है। अगर सही होती है तो वो पास बता के इसे एकदम क्लियर कर देता है। ये मशीन स्पेशल लायंस क्लब ने मंगवाई है जर्मन से, किड्स के लिए, स्पेशल फॉर किड्स के लिए। मैं JP गुप्ता लायंस क्लब फरीदाबाद का सदस्य हूँ। हमने यहाँ जो कैंप लगाया है छोटे बच्चों को, नर्सरी के क्लास के बच्चों के लिए आई चेकअप का एक हमारी यूनिट है जो हमने जर्मनी से इंपोर्ट की है, उसमें बच्चों की सारी बीमारी के बारे में मालूम हो जाता है। हमने यहाँ 203 बच्चों की आंखें चेक की हैं, जिसके अंदर 167 बच्चों की आंखें बिल्कुल सही निकली हैं और 21 बच्चों की आंखें जो हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम है और 18 बच्चे जो ऐसे हैं जो डॉक्टर को रेफर करने हैं, उनको जरूरी ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो सर ट्रीटमेंट होगा वो भी निःशुल्क आप लोग कराएंगे उन बच्चों का? हम लोग करा देंगे यदि उनके पेरेंट्स हमसे सहयोग चाहेंगे तो, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पर्ची जितनी आई हैं वो सारी चीज़ें हम चेक करके डॉक्टर से लेके इनकी रिपोर्ट बना के स्कूल को हम दे देंगे कि ये बच्चे हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनको ये ऑपरेशन होना है। हम ऑपरेशन यहाँ से बच्चे को ले जाएंगे, फ्री करा के देंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं है। सर, आपके कौन कौन सहयोगी टीम में कौन कौन है जो आ जाए? तो यहाँ मेरे प्रधान नयनदास जी हैं, ऊर्जा साहब हैं, खुराना साहब हैं, मनमोहन सिंह हैं, नरेंद्र हैं, GD खुराना जी हैं, महेश अग्रवाल जी हैं जो इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ टीम में आए हुए हैं। और अभी टेस्टिंग चल रही है, शाम तक चलेगी। NSS की ओर से भी आपको सहयोग दिया जा रहा है? हाँ, NSS की तरफ से इन बच्चों ने पूरा सहयोग दिया है, कंट्रोल करने में, बच्चों को चेक करने में, लाइन में बैठा के हर तरह का पूरा सहयोग हमें इन बच्चों NSS के से सहयोग हमें मिला है, जिनके लिए बहुत हम धन्यवाद हैं। जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत है उनके लिए उनके चश्मे हम लोग फ्री बना के देंगे। वो सारी चीज़ें अभी भी जो चेक हो रहे हैं उनके बच्चों के चश्मे हम निःशुल्क बना के देंगे। अभी आप एक बात कर रहे थे कि नेत्रदान का बहुत फायदा है। नेत्रदान, अभी ये बच्चे छोटे हैं, फिर भी बुजुर्ग कहने के लिए किसी की डेथ हो जाती है, नेत्रदान देना चाहिए। एक आँख से हम 3 आदमियों को रोशनी दे सकते हैं। एक वर्ल्ड में एक ऐसा श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके अंदर आई सरप्लस है, बाकी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। वहाँ लंका के अंदर लोग जागरूक हैं, आँख डोनेट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा मैक्सिमम आँख डोनेट करें, जिससे कि जो अंधत्व यहाँ खत्म हो।
जो ये आपने बच्चों की आंखें चेक कराई उसमें तो रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन आपको रिपोर्ट तुरंत कैसे आ गई? नहीं, ये तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारी तुरंत आ जाती हैं। अब उन्होंने सारी ये पर्ची जिनके डैमेज हैं वो सारे रिपोर्ट यहाँ आ गई। इसके लिए कोई अलग से मशीन आप लेके आए? मशीन हमने 5 लाख रुपये का जर्मन से इम्पोर्ट की है, इस इलाके में कहीं भी नहीं है, ये पहली मशीन की है। और हम दूसरी मशीन भी जल्दी मंगाएंगे जिससे कि हमारा को ये जो चेकिंग है हम लार्ज स्केल पर कर सकें। तो इसी तरह आपका अभियान और भी स्कूलों में चलाया जाएगा? और जैसे यहाँ जाएगा हम और स्कूलों में भी चलाएंगे। और फिर भी आप यहाँ जो भी बैठे हैं कोई रिकमेंड करेगा प्राइमरी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों वैसे अपना स्कूलों रिकमेंड करेंगे, हम मशीन मंगा के हम टेस्ट करा के जरूर। सर ऐसे कई कैंप पर एक आरोप लगता है कि कैंप में जांच शिविर के नाम पर जांच करके चले जाते हैं, उसके बाद ना तो चश्मे वितरित किए जाते हैं ना कोई सुविधाएं दी जाती है। ऐसा है कि जहां हमारे लॉन्च क्लब के लेवल पे है कोई आदमी एक ऐसा शो करते कि हमने चश्मा नहीं दिया या हमने नहीं किए। मैंने कॉलेज में भी लगाए और लगाए, बाकायदा उनको बुला के चश्मे दिए गए हैं और देंगे, और आँखें भी बनवाई हैं और अच्छी आँखें बनाई हैं। दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर हमारे खजीराबाद में आई हॉस्पिटल है और आज तक सारे हॉस्पिटलों में एक भी आँख हमारी यहाँ से ख़राब नहीं हुई।